जालौन अन्यत्र प्रदेशों से आए लोगों को जिले के सीमावर्ती बैरियर पर रोका गया। दरअसल मामला जालौन कानपुर सीमा का है, जहां बीती देर रात बाहर से आए लोगों को जालौन कानपुर सीमा को पार करते समय कानपुर देहात के आला अधिकारियों ने सभी लोगों को अपने जनपद में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिसके बाद देर रात्रि तक सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बीच हाईवे पर बैठकर जाम लगाकर हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं एक साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों द्वारा हंगामा करने की सूचना पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए जालौन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सतीश कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक अवधेश सिंह, क्षेत्राधिकारी कालपी राहुल पांडे, उप जिलाधिकारी कालपी कौशल कुमार, कोंच क्षेत्राधिकारी राजीव प्रताप सिंह सहित कई अन्य थानों की पुलिस के साथ महिला थाना प्रभारी नीलेश कुमारी भी मौके पर पहुंची, जहां काफी देर तक मशक्कत के बाद लोगों को समझा बुझाकर शांत कराकर समीपवर्ती क्षेत्र में स्थित क्वारंटाइन सेंटरों में लोगों को पहुंचा दिया गया। व्यवस्था कर रही है, आज हमारी झांसी के साथ समन्वय बैठक हुई थी, जिसमें कि उन्होंने हमारे जिले में 500 के आसपास लोग देने के लिए कहा था, लेकिन कुछ ज्यादा लोग आ गए हैं, तो उन सभी लोगों को हमने खाने पीने के क्वारंटाइन की व्यवस्था की है, और ये सब हमारे जनपद में रहेंगे, उनका मेडिकल चेकअप करके जो आगे जिस तरह की पॉलिसी होगी उस हिसाब से उनके घर जाकर दे जाएगा। सर लगभग कितनी संख्या में लोग आए? हाँ, लगभग यहाँ पे 1200 के आसपास हैं, 1000 से 1200 के आसपास लोग हैं, जिन लोगों को हमने टोटल करके सभी जगह अलग अलग क्षेत्रों के जनपदों में, पूरे जनपद में अलग अलग तहसीलों में इनको क्वारंटाइन। सर ये लोग कहाँ से आ रहे थे, कहाँ गए? ये अधिकतर लोग इनमें से मुंबई के थे, महाराष्ट्र के थे, गुजरात के थे, अलग अलग जगह के थे, और ये सिद्धार्थनगर, बहराइच, गोंडा, बलराम और इन सब जगह के लोग हैं। इन लोगों को अभी यहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा। और सर ये अपने निजी साधन से आए हैं या सरकार ने कोई व्यवस्था करके दी है? ये सब अभी लॉकडाउन बढ़ने की वजह से काफी परेशान हो गए हैं, और वहाँ पे अपने अपने निजी साधन करके, गरीब मजदूर लोग हैं, तो वहाँ से अपने निजी साधन करके इसे निकाल। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।